तो की हाल चाल दोस्तों, मेरा नाम है सानू। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले एक प्लेटफॉर्म के बारे में, जहां पर दोस्तों आप लिखकर पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों आपको जो भी कुछ आता है वह सभी चीजें दोस्तों आप यहां पे लिखेंगे और दोस्तों आपको जो उसके बदले पैसा मिलेगा। इसके लिए दोस्तों आपको कोई भी पैसा नहीं खर्च करना है, यह काम दोस्तों बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। इस काम को करने के लिए दोस्तों सिर्फ आपके पास एक मोबाइल फोन होना चाहिए और दोस्तों अगर आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो दोस्तों यह काम आप जो उससे भी कर सकते हैं। जिस प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाले दोस्तों, उसका नाम है डेली हंट क्रिएटर। दोस्तों आपने डेली हंट को कभी ना कभी यूज किया होगा अपने मोबाइल फोन में न्यूज पढ़ने के लिए। वहाँ पे दोस्तों आपको जो बहुत सारा न्यूज मिलता है। अगर दोस्तों आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, तो दोस्तों आप भी जो अपना आर्टिकल को पब्लिश कर सकते हैं डेली हंट क्रिएटर के थ्रू। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि डेली हंट क्रिएटर में अकाउंट कैसे बनाते हैं, आप अपना आर्टिकल को कैसे पब्लिक करेंगे। अगर दोस्तों आपको भी जानना है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बट दोस्तों उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप हमारे चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बगल में एक बेल आइकन आएगा उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों इसके लिए हम आपको लेकर चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। और दोस्तों अगर आपके पास मोबाइल है तो दोस्तों आप जो अपने मोबाइल फोन में क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लीजिए और दोस्तों मैं जो प्रोसेस को बताने वाला हूँ आप उसी प्रोसेस को फॉलो करिए। तो अगर आपके पास मोबाइल है तो आपको अपने मोबाइल फोन के क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है और टाइप करना है DH क्रिएटर, देख सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं पहला वेबसाइट आपके पास ओपन हो जाएगा, dhcreator.dailyhunt.in, इसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। आपको इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं डेली हंट में आपको अकाउंट बनाने के लिए तीन ऑप्शन दिया जाता है। पहला, आप मोबाइल नंबर के थ्रू अकाउंट बना सकते हैं। अगर आपके पास जीमेल अकाउंट है तो आप गूगल का यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास फेसबुक का अकाउंट है तो आप फेसबुक के थ्रू भी अकाउंट बना सकते हैं। मैं यहाँ पे जो गूगल का यूज करने वाला हूँ, तो देख सकते हैं दूसरा ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे एक नया पेज ओपन हो जाएगा, आप देख सकते हैं। आप जिस जीमेल आईडी से अकाउंट बनाना चाहते हैं उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। चलिए हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद देख सकते हैं जो लॉगिंग मेरा प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पे आपको जो मोबाइल नंबर डाल देना है एक, जिसमें एक ओटीपी जाएगा। चलिए हम डाल देते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद देख सकते हैं लिखा हुआ सेंड ओटीपी, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे डाल देना है। चलिए हम यहाँ पे डाल देते हैं। सो ओटीपी डालने के बाद देख सकते हैं लिखा हुआ वेरीफाई, वेरीफाई के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे आ गया सक्सेसफुल, आपका रजिस्टर हो गया क्रिएटर में। अब यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिया जाता है, देख सकते हैं। क्विक एनालिटिक्स है जिसमें आपका यहाँ पे फॉलोअर्स शो करेगा, यहाँ पे आपने कितना पोस्ट किया था शो करेगा, आपका कितना व्यूज आया टोटल यहाँ पे शो करेगा, आपका कितना कमेंट आया यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद देख सकते हैं आपका पोस्ट को कितना शेयर किया गया यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे आपका लाइक शो करेगा कि कितना लाइक आया आपके पोस्ट पे। यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्शन मिल गया आपको क्रिएट पोस्ट का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप आर्टिकल डाल सकते हैं, वीडियो डाल सकते हैं, इमेज या मीम भी डाल सकते हैं, फोटो गैलरी से भी डाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम आर्टिकल लिखते हैं, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपको अपना आर्टिकल का टाइटल देना है। उसके बाद जो भी आपका आर्टिकल होगा यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे आपको जो बोल्ड मिल जाता है बोल्ड आप कर सकते हैं, आपको इटैलिक मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे अंडरलाइन मिल जाता है, देख सकते हैं ब्लॉक कोट मिल जाता है। आप इन सभी फीचर्स का यूज कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं अगर आपको फोटो एड करना है तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, अगर आपको कोई लिंक एड करना है तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आप लिंक एड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टाइटल डालते हैं। तो यहाँ पे मैंने टाइटल डाल दिया, देख सकते हैं यहाँ पे आपको पूरा आर्टिकल लिख देना। चलिए हम यहाँ पे डाल देते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पूरा आर्टिकल डाल दिया है। इसको आपको अच्छा से सजा लेना है ताकि अच्छा दिखे, आप देख सकते हैं। इसको आपको अच्छे से लिख देना है। मैं इसे जो पहले से लिख करके रखा था इसलिए मैं इसे जो फिर से एडिट कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे जो बोल्ड रखना है तो इसको हम बोल्ड कर देते हैं। उसके बाद देख सकते हैं मैंने जो यहाँ पे चार पॉइंट बनाया देख सकते हैं, तो मैं इस पॉइंट को अलग अलग कर देता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो पूरा आर्टिकल डाल दिया है, अच्छे से सजा दिया है। अगर आपको कोई लिंक डालना है, कोई फोटो डालना है, जैसे मुझे यहाँ पे फोटो डालना है, फोटो हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो जिस भी जगह पे आपको फोटो डालना है उस जगह पे क्लिक करके आपको क्या करना है, देख सकते हैं इमेज के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपका डेस्कटॉप या आपका फाइल में जहाँ पे भी फोटो होगा यहाँ पे इंसर्ट कर लेना है। इसको चलिए इंसर्ट कर लेते हैं। सो इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो फोटो आ जाएगा, जो भी आपका इमेज होगा यहाँ पे आ जाएगा। अब दोस्तों अगर आपको लिंक डालना है देख सकते हैं इसके ऊपर आपको क्लिक करना है इंसर्ट लिंक के ऊपर। उसके बाद यहाँ पे आपको जो वीडियो का लिंक या फिर कोई प्रोडक्ट का लिंक है तो आप यहाँ पे एड कर सकते हैं।
मैं यहाँ पे अभी नहीं डालने वाला हूँ, चलिए हम कट कर देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो पूरा आर्टिकल रेडी हो गया है। अब आपको क्या करना है, देख सकते हैं नीचे लिखा हो नेक्स्ट, नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक थंबनेल डाल देना है। जब भी आप अपने आर्टिकल को पब्लिश करेंगे तो आपका जो भी आर्टिकल देखेगा उसको सबसे पहले थंबनेल दिखाई देगा, इसलिए आपको जो थंबनेल थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगाना है। चलिए हम चूज कर लेते हैं। उसके बाद जिस भी फाइल में आपका फोटो इमेज होगा उसको डाल लेना है। देख सकते हैं थंबनेल मैंने ले लिया। आपको यहाँ पे क्रॉप करने के लिए भी ऑप्शन मिल जाता है, मैं यहाँ पे रहने देता हूँ। देख सकते हैं अगर आपको क्रॉप करना है तो क्रॉप के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप जो क्रॉप भी कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो फोटो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं मेरा जो फोटो अपलोड हो गया। अगर आपको डिलीट करना है डिलीट पे क्लिक करके चेंज भी कर सकते हैं, दूसरा फोटो अपलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कैटेगरी डाल देना है कि आपका आर्टिकल है किस कैटेगरी पे है। चलिए हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ऑटोमोबाइल चूज कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको सब जनरल चूज कर लेना है। यहाँ पे मैंने न्यूज चूज कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको लोकेशन मिल जाता है, आप इसे यहाँ पे अभी फिलहाल चेंज नहीं कर सकते हैं। आपका लैंग्वेज भी चेंज नहीं कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको हैशटैग डाल देना है, जैसे यहाँ पे बहुत सारा हैशटैग है। चलिए हम यहाँ पे डाल देते हैं डेली न्यूज अपडेट है, डेली वायरल लेटेस्ट न्यूज है। आप यहाँ पे दोस्तों मैक्सिमम 5 हैशटैग का यूज कर सकते हैं, तो मैंने डाल दिया 5 हैशटैग। उसके बाद देख सकते हैं लिखा हुआ सेव, सेव के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं एक्शन जो प्रोसेसिंग में है। अब यहाँ पे आपको जो अपना प्रोफाइल को बनाना है, प्रोफाइल बनाने के लिए देख सकते हैं यहाँ पे आपका लोगो है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद माई प्रोफाइल आ जाएगा, माई प्रोफाइल के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको सबसे पहले अपना एक लोगो चूज कर लेना है, प्रोफाइल पिक्चर से चूज कर लेना है। चूज कर लेते हैं, यहाँ पे मैंने चूज कर लिया। उसके बाद ओपन पे क्लिक करके इसको अपलोड कर लेना है। अगर आप इसको क्रॉप करना चाहते हैं क्रॉप भी कर सकते हैं। चलिए हम इस पे रहने देते हैं, अपलोडिंग हो जाएगा यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे अपलोडिंग है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। आपका जो भी लोगो प्रोफाइल पिक्चर होगा यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक डिस्प्ले नाम डाल देना है, चलिए हम यहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको हैंडल चूज कर लेना है, जैसे यूजर आईडी होता है कस्टम यूजर आईडी, चलिए हम डाल देते हैं। तो यहाँ पे मेरा यूजर आईडी जो अवेलेबल है, अगर आपका अवेलेबल नहीं होगा तो आपको चेंज करके दूसरा डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपको अपना बायो डाल देना है। आप बायो क्या रखना चाहते हैं, जो आपका मैक्सिमम जो है 400 कैरेक्टर का होगा, चलिए हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बायो डाल दिया है। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर शो करेगा, यहाँ पे आप जिस ईमेल आईडी से बनाए थे अकाउंट यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, चलिए हम डाल देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ लिख भी सकते हैं, चलिए हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना, सेलेक्ट करने के बाद देख सकते हैं आपका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना जेंडर चूज कर लेना है, मेल है फीमेल है, आपको चूज करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे आपको अपना लोकेशन डाल देना है, चलिए हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना स्टेट डाल दिया, अगर आपका कोई सिटी होगा तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना लैंग्वेज डाल देना है, हिंदी इंग्लिश, तो हम हिंदी डाल देते हैं और इंग्लिश भी डाल देते हैं। अगर आपको और भी लैंग्वेज ऐड करना है, देख सकते हैं गुजराती मराठी बंगला, तो आप ऐड भी कर सकते हैं, भोजपुरी भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना सोशल लिंक ऐड कर सकते हैं, जैसे यूट्यूब चैनल का अगर आपके पास लिंक है तो आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास फेसबुक पेज का लिंक है तो आप फेसबुक पेज का लिंक ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास इंस्टाग्राम है तो आप इंस्टाग्राम का लिंक भी ऐड कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम सभी लिंक को डाल देते हैं। सो यहाँ पे मैंने अपना यूट्यूब चैनल का लिंक डाला। अगर आपको और भी लिंक ऐड करना है, देख सकते हैं प्लस का है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। फिर से यहाँ पे आप अपना दूसरा लिंक डालेंगे। सो यहाँ पे मैंने जो सभी सोशल लिंक को ऐड कर दिया है, देख सकते हैं इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर वगैरह यूट्यूब चैनल का। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए बोला जाता है, यहाँ पे आपको एक्सेप्ट कर लेना है। अगर आपको इसका टर्म कंडीशन को पढ़ना है, देख सकते हैं व्यू लिखा है, इसके ऊपर आप क्लिक करके इसका टर्म एंड कंडीशन को भी आप पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। देख सकते हैं आपके पास टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के बाद देख सकते हैं लिखा सबमिट, सबमिट के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो पूरी तरह से अकाउंट जो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका जो अकाउंट अभी अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट पे चला गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है वर्क अप्रूवल पेंडिंग। दोस्तों आपका अकाउंट जो है 10 मिनट में भी अप्रूव हो सकता है, आधा घंटा भी लग सकता है, एक वीक लग सकता है। दोस्तों आपका अकाउंट अप्रूव होने तक आपको वेट करना है। तो दोस्तों एक घंटे के बाद मैं जो इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे मुझे जो अप्रूवल मिला है या नहीं मिला है। आप देख सकते हैं दोस्तों मुझे जो अप्रूवल मिल गया है। अगर दोस्तों अप्रूवल नहीं मिलता तो दोस्तों यहाँ पे जो पेंडिंग शो करता आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी पेंडिंग नहीं शो करा है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, जो आपने पोस्ट को पहले से करके रखा है, देख सकते हैं ड्राफ्ट में है, इसको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आप इसे आप जो पब्लिक कर सकते हैं, देख सकते हैं आपको क्या करना है, नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा नेक्स्ट का, नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों मैंने जो सभी कुछ पहले से डाल करके रखा है, देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन है पब्लिश का, पब्लिश के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद देख सकते हैं एक्शन इज प्रोग्रेस में, और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो आर्टिकल यहाँ पे
पब्लिश हो गया है, देख सकते हैं पब्लिक का टाइम यहाँ पे आप फ्यू सेकंड है वो लिखा है, और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आपका कितना व्यू जाएगा यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका कितना इम्प्रेशन रहेगा इस पोस्ट के ऊपर शो करेगा, यहाँ पे आपका पोस्ट को कितना बार शेयर किया गया यहाँ पे शो करेगा, आपके पोस्ट को कितना लाइक मिला है यहाँ पे शो करेगा, आपके पोस्ट पे कितना कमेंट्स आया है यहाँ पे शो करेगा। और दोस्तों अगर आप इस पोस्ट को शेयर करना चाहते हैं देख सकते हैं आपको थंबनेल पे ले जाना है क्रशर, उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे एक शेयर का ऑप्शन है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों आप ट्विटर पे शेयर कर सकते हैं, गूगल प्लस पे शेयर कर सकते हैं, डायरेक्ट व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, और इसका लिंक भी कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद दोस्तों आप जो कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं ब्राउजर में भी अगर आप पेस्ट करेंगे तो दोस्तों यहाँ अगर आप सर्च करेंगे ब्राउजर में पेस्ट करके तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो यहाँ पे आर्टिकल शो करेगा, आप देख सकते हैं मेरा आर्टिकल शो कर रहा है। अगर आपको और भी नया पोस्ट बनाना है तो क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करके नया पोस्ट बना सकते हैं। और दोस्तों अगर आप अपना प्रोफाइल में कुछ चेंज करना चाहते हैं देख सकते हैं आपको अपना प्रोफाइल पे क्लिक करना है, यहाँ पे माई प्रोफाइल आ जाएगा इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप अपना कुछ भी चेंज कर सकते हैं, जैसे नाम चेंज कर सकते हैं, अपना हैंडल चेंज कर सकते हैं, अपना बायो भी चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद दोस्तों सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपका जो प्रोफाइल अपडेट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप जो डेली हंट क्रिएटर में अकाउंट बना सकते हैं, इस तरह से आप अपना आर्टिकल को पब्लिश कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको जिसमें भी इंटरेस्ट है आप उन सभी आर्टिकल को पब्लिश कर सकते हैं। और दोस्तों अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि आप डेली हंट क्रिएटर में बैंक अकाउंट को आप कैसे जोड़ सकते हैं, जिसके बाद दोस्तों आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा। अगर दोस्तों आपको जानना है तो आप नीचे में कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बगल में एक बेल आइकन आएगा उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आप लोग कुछ भी पूछना हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है नीचे में कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।